सब एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 01 नैपसैक प्रॉब्लम, ओके, यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। लेकिन बैक ट्रैकिंग से किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट से करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट गिवन होता है और उससे वेट एसोसिएटेड होता है, और हमारे पास एक बैग होती है जैसे एम इक्वल टू 8, दैट मीन्स की कैपेसिटी कितनी 8, मैक्सिमम 8 वेट तक का ये जो है ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं इस बैग में। तो अगर इसको ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब सारी पॉसिबिलिटी, तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, या तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इसकी भी दो पॉसिबिलिटी आएगी, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी आएगी, इसकी भी आएगी, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2 to the power 4। ओके, अगर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या आ जाएगा, 2 to the power n। तो अगर इसकी स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करेंगे तो वो क्या आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन इसको बैक ट्रैकिंग से किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। तो इनिशियली हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पिक किया हुआ है, और ना ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने नहीं पिक किया तो उससे करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट भी नहीं। ये हम क्या दिखा रहे हैं, ये वेट है और ये प्रॉफिट है। तो इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पिक नहीं किए तो वेट भी जीरो है और प्रॉफिट भी जीरो है। नेक्स्ट अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, लेट सपोज तो x1 विच इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अगर पिक करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे तो प्रॉफिट हमें 3 मिलेगा और वेट कितना हो जाएगा 2, तो वेट 2 हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया 3। ओके, तो इसका मतलब देखो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, 8 के अबव नहीं जा सकते। ओके, तो यहाँ वेट 2 है, ये परफेक्टली फाइन है। नेक्स्ट अब अगर ऑब्जेक्ट 2 को इंक्लूड करते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट टू को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट वन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका वेट कितना है 3 और प्रॉफिट कितना है 5, तो वेट इसका यानी वन ऑब्जेक्ट को जब इंक्लूड किए इसी में ऐड करेंगे तो ये 2 है, ये 3 है, इधर क्या 3 and 5, तो 3 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और प्रॉफिट ये आपका क्या है, वेट है और ये क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 3 है, इसका प्रॉफिट कितना है 5, तो यहाँ 5 ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा। ओके, अभी भी क्योंकि ये 5 है और जो है बैक की कैपेसिटी कितनी 8 है, अभी भी परफेक्टली फाइन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट 3 को प्लेस करते हैं, लेट सपोज ओके, अगर ऑब्जेक्ट 3 को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट 3 का वेट कितना है 4, यहाँ कितना है 5, 5 + 4 9, और प्रॉफिट कितना है यहाँ 8 + 6 14, देखो 9 आ गया और बैग की कैपेसिटी कितनी 8, तो इस पर्टिकुलर नोट को हम यहीं किल कर देंगे। ओके, और वापस चले जाएंगे इधर बैक ट्रैक करके यहाँ आ गए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 3 को हम इस पर यानी ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 अगर इंक्लूड करें तो ऑब्जेक्ट 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे और इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट 3 को नहीं इंक्लूड करें तो क्या होगा, देखते हैं, यानी x3 विच इज इक्वल टू 0 का मतलब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑब्जेक्ट 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इससे करस्पॉन्डिंग सेम वही चीज़ आएगी जो यहाँ आपके पास है 5 और 8। क्यों, देखो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को इंक्लूड किए तो हमें वेट 5 मिला और प्रॉफिट 8 है। नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट 3 को इंक्लूड नहीं करें इसका मतलब सेम वही वेट और वही प्रॉफिट होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट 4 को अगर इंक्लूड करेंगे तो x4 विच इज इक्वल टू 1, तो ऑब्जेक्ट 4 को अगर इंक्लूड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 4 का वेट कितना है 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 8 है और प्रॉफिट कितना है 10, तो 8 + 10 = 18। क्या ये हमारा वैलिड आंसर है, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आ गया 10, ये वेट 10 आ रहा है और बैक की कैपेसिटी कितनी 8 है, तो इसका मतलब इस नोट को भी किल कर देंगे। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे तो क्या होगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी, अगर हम ऑब्जेक्ट 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो 5 और 8 आ गया। क्या ये हमारा सोल्यूशन है, देखते हैं अभी, ये देखो इसका वेट कितना है 5 और कितना है ये 8, लेकिन अभी हमारे पास और चांस है कि हम बैग में इसको प्लेस कर सकते हैं, तो इसको तो किल नहीं करें, इसको भी यहाँ रहने देंगे। ओके, नेक्स्ट वापस आएंगे, देन वापस आएंगे यहाँ आ जाएंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट 2 को इंक्लूड नहीं करें तो क्या होगा, देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया, x2 विच इज इक्वल टू 0 मीन्स सेम वही चीज़ एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया लेकिन सेकंड को इंक्लूड नहीं किया, तो ये स्टेटस है। नेक्स्ट अब थर्ड पे जाएंगे, लेट सपोज अगर हम जो है थर्ड ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करें तो क्या होगा, तो थर्ड ऑब्जेक्ट को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या है, यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट ये, इसका वेट कितना है 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, और 3 प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट कितना है 6, ये क्या आ जाएगा 9, ये हमको मिल गया। नेक्स्ट अब ऑब्जेक्ट 4 को अगर इंक्लूड करेंगे इस तरीके, ये आपका अगर ऑब्जेक्ट 4 को इंक्लूड करें तो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट 4 का वेट कितना है 5, इसका वेट कितना है 6, तो 5 + 6 = 11, ये हो गया,
और प्रॉफिट 9 है और वो क्या हो जाएगा आपका 19। क्या ये आपका वैलिड आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैग की कैपेसिटी से एक्सीड कर जाते, इस नोड को किल कर देंगे। और ऑब्जेक्ट 4 को अगर नहीं इंक्लूड करें इस केस में, x4 विच इज इक्वल टू 0, सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा 6,9। ओके, तो इन दोनों को अगर देखें तो ये बेटर आंसर मिले। लेकिन अभी और एक्सप्लोर करते हैं बाकी, वापस आएंगे इधर। अब x3 ऑब्जेक्ट को अगर नहीं इंक्लूड करें, ओके, x3 विच इज इक्वल टू 0, अगर इसको इंक्लूड नहीं करें तो इसका मतलब एज इट इज यही आ जाएगा 2,3। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, यानी इस पर्टिकुलर पाथ का क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट 1 को इंक्लूड किया, ऑब्जेक्ट 2 को इंक्लूड नहीं किया, ऑब्जेक्ट 3 को इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट, अब अगर ऑब्जेक्ट 4 को इंक्लूड करें, ऑब्जेक्ट 4 को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा? 5, 5 + 2, 7, इधर क्या है? 3, 3 + 10, 13। ये हमको मिल गया, तो एक आंसर ये भी मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या आएगा? सेम एज इट इज कॉपी आ जाएगा 2,3, यानी x4 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, वापस बैक ट्रैक किए, इधर आए, इधर आ गए, तो इसको भी चेक कर दिए, इधर आप। अब ऑब्जेक्ट 1 को अगर इंक्लूड नहीं करें तो इसके लिए फिर एक जो है आपका एक पाथ आ जाएगा, यानी x1 विच इज इक्वल टू 0। अगर ऑब्जेक्ट 1 को इंक्लूड नहीं करें तो क्या आएगा? 0,0, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने जो है स्किप कर दिया। अब बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर इसको इधर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 को अगर हमने इंक्लूड किया, सॉरी, ऑब्जेक्ट 2 को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट 1 को तो एक्सक्लूड कर दिया, ऑब्जेक्ट 2 को अगर इंक्लूड करेंगे तो इसका वेट कितना है? 3, और प्रॉफिट कितना है? 5। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट 3 को अगर इंक्लूड करेंगे, ऑब्जेक्ट 3 को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 है यहाँ पे, 3 + 4, 4 + 3, 7, कॉमा यहाँ क्या है? प्रॉफिट 5 है, इधर क्या है आपका? 6, 6, 5, 11। तो ये आ गया। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट 4 को अगर इंक्लूड करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट 4 इनको इंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 4 को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? 7 + 5 विच इज इक्वल टू 12, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 21। ये नोट हमें किल करना पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है, बैक की कैपेसिटी एक्सीड कर जा रही है। वापस आ जाएंगे, ओके, ऑब्जेक्ट 4 को अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो 7,11 आ जाएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, एक मिनट इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो ये डायग्राम कहाँ तक आए हैं? अगर हम x4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? एज इट इज वही सेम आ जाएगा, सेम क्या है आपका? 7,11। नेक्स्ट, वापस आए, इधर वापस आए, यानी ऑब्जेक्ट 3 को अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 3 को अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x3 विच इज इक्वल टू 0, 3,5 आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट 4 को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, अब आंसर हमें मिलने वाला है। तो अगर ऑब्जेक्ट 4 को हम इंक्लूड करें, इस तरीके से लिख दे रहे हैं, x4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ट्री थोड़ा सा बहुत सुंदर तो नहीं बनी है, लेकिन इसको आप जो है अपनी नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा, बट सीक्वेंस ऑर्डर में जिस तरीके से जा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट, अगर x4 को इंक्लूड करेंगे तो इसका वेट कितना है? 5, 5 + 3, 8, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल 15। तो देखो, बैग की कैपेसिटी हमारी यहाँ फिल हो गई और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या मिल रहा है? 15। तो अगर इसको भी केयरफुली देखेंगे तो क्या आ रहा है? देखो, कहाँ से मिलेगा? 5 + 3, 8, और कोई चांस है यहाँ पे 8 मिलने का? नहीं। अगर बाकी सारे कॉम्बिनेशन भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे देखेंगे तो 8 तभी मिलेगा जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट और फोर्थ ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, और बाकी तो इसका मतलब क्या आएगा? ये हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करें, सेकंड को इंक्लूड करें, थर्ड को इंक्लूड नहीं करें और फोर्थ को इंक्लूड करें, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्या इसके अलावा और कोई आंसर हो सकता है? 2 + 3, 5, 5 + 4 + 3, 4 + 2 नहीं आ रहा, सारे कौन, यानी 5 और 3 सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। तो बैक ट्रैकिंग के थ्रू क्या हो रहा है? देखो, यहाँ हमने क्या स्टार्ट किया, पहले ऑब्जेक्ट 1 को इंक्लूड करके देखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 को इंक्लूड, ऑब्जेक्ट 3 को जब इंक्लूड किया तो ये क्या हो रहा है? बैक की कैपेसिटी से एक्सीड कर जा रहा है। तो अगर बैक की कैपेसिटी एक्सीड कर जाएगा तो हम बैक ट्रैक कर देंगे, इसके नीचे अब हम जो है इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, यही बैक ट्रैकिंग की टेक्निक है। और क्यों हम लेफ्ट साइड वाले को एक्सप्लोर करें? क्योंकि बैक ट्रैकिंग टेक्निक जो होती है वो DFS को फॉलो करती है। फिर वापस आए इधर से, इसको एक्सप्लोर किया, तो हमें कहीं भी ऐसा सोल्यूशन, देखो ये भी आपका सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन होता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5, 6, 7 ये बैक की कैपेसिटी के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, बट हमें क्या करना है?
बेस्ट यानी ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब ये है कि वो कब आएगा जब हमारा बैग कम्प्लीटली फिल हो जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि बैग की कैपेसिटी कम्प्लीटली ना फिल हो, क्योंकि 0-1 नैप सक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बैग कम्प्लीटली फिल हो। इस तरीके से भी आपका जो क्वेश्चन में दे सकता है कि हो सकता है कि आपका ये आंसर ये आंसर, तो हम क्या करेंगे इसको चेक करेंगे कौन सा हमें मैक्सिमम आंसर दे रहा है। ये 5.8 है, ये 6.9 है, अगर यहाँ 8.15 नहीं होता, लेट सपोज यहाँ फॉर एग्जाम्पल 7.15 होता, तो कौन सा आंसर लेते हैं? देखो यहाँ 5.8 इसको छोड़ देते, 6.9 इसको भी नहीं लिखते, 7.30 नहीं लिखते, 7.15 लेते, इस तरीके से हम देखते। लेकिन यहाँ एक्चुअली इस प्रॉब्लम में इस तरीके से आया कि यहाँ बैक की कैपेसिटी कम्प्लीटली फिल हो जा रही है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 15। तो ये था आपका 0-1 नैपसैक यूजिंग बैक ट्रैकिंग। ओके।